नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने एसआर हिट्स ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं हॉन्टेड लोकेशन को विजिट करने के लिए आ पहुंचे हैं। इस लोकेशन पर दोस्तों भूतिया लड़की की आत्मा दिखाई पड़ती है। तो भूतिया लड़की की आत्मा यहाँ पर क्यों दिखाई पड़ती, तो आज मैं आप लोगों को इस लोकेशन की स्टोरी भी बताऊँगा और लड़की की आत्मा जो दिखाई पड़ती है उसकी भी मैं आप लोगों को स्टोरी भी बताऊंगा। एक दोस्तों परिवार में लगभग 6 से 7 मेंबर रहा करते थे। उनमें से सबसे छोटी एक लड़की ही थी। तो वो लड़की अपने फ्रेंड के साथ में, दोस्तों के साथ में अक्सर स्कूल जाया करते थे और जब भी उसको कोई ना कोई इनवाइट करता रहता था कि आज हमारे यहाँ पे एक प्रोग्राम है, आप ज़रूर आना। तब वो जाती थी तो उसको बहुत बड़ी खुशी एक मिलती थी कि मतलब हम दूसरी फ्रेंड के वहाँ पे गए और वहाँ पे ऐसा माहौल होता था कि वहाँ पे बड़ी खुशियाँ मनाई जाती थी। तो वो जो लड़की थी उसके घर में कभी भी ऐसी खुशियाँ मनाने का अवसर कभी नहीं आया था और उस लड़की घर में कभी भी किसी का ए टू जेड 6 से 7 मेंबर थे, किसी का भी जन्मदिन नहीं मनाया जाता था। और एक दिन वो लड़की जो है जन्मदिन के तौर पे अपने फ्रेंड के वहाँ पे गई हुई थी, तो उसके मन में सवाल उठा कि काश हमारा भी एक दिन जन्मदिन मनाया जाए और हमारे घर में भी खुशियाँ आए। तो लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, उसके घर में जो है उसके पिताजी थे बहुत ही शराबी थे, अपने बच्चों को जो है कभी ख्याल ही नहीं रखते थे। जैसे मर्जी पढ़ाई करें, जहाँ मर्जी हो वहाँ पे घूमें टहलें, उस लोगों से कोई मतलब नहीं था। और अपनी माता जी से जो है उस लड़की ने जैसे तैसे कहकर मनाया और माता जी ने जो वो उसका जन्मदिन मनाने का प्रोग्राम किया। फिलहाल उसी दिन उसके पिताजी ने जो है शराब पीकर आ चुके थे और काफ़ी मेहमान भी एकत्रित थे, उसके फ्रेंड भी लोग आ चुके थे। तो उस लड़की ने जो है अपने पिताजी से सिर्फ इतना बोला कि पिताजी, आज के दिन आपने जो है शराब पीकर घर पे आ चुके हैं और लोगों से लड़ाई झगड़ा मारपीट करना उनका रोज़ का काम था। मोहल्ले में ही उन लोगों ने जो है अपने उसके पिताजी जो है अपने मोहल्ले में लोगों से लड़ाई करना शुरू कर दी। जैसे लड़की ने वो अपने पिताजी को समझाने की कोशिश की और पिताजी शराबी था, उस लड़की को जो है वहीं पे इतना कहते हुए अचानक से उस लड़की की जो है हत्या कर दी। उसके पास जो पता नहीं क्या था जो पिताजी के पास में, उसके ऊपर जो है हमला कर दिया और उसको इतनी गहरी चोट लग गई, वहीं पे तुरंत उस लड़की की मौत हो गई क्योंकि उस दिन उसका जन्मदिन था। तो उस लड़की की सारी खुशियां जो थी वो अधूरी की अधूरी रह गई और जो भी था उसके सपना जो अधूरा का अधूरा रह गया। तो अब आप लोग बताइए उस लड़की का क्या कसूर था? कोई भी कसूर नहीं था, पिताजी को समझाने का उसका फर्ज था, लेकिन पिताजी शराब में बुद्ध थे, उस लड़की को जो है जान से मार दिया। तब से दोस्तों आज भी उस लड़की की आत्मा यहाँ पे रेगुलर आज भी दिखाई पड़ती है। क्यों दिखाई पड़ती है? काश कोई हमारे लिए यहाँ पे जो है केक लेकर आएगा और जन्मदिन हमारे मनाने की कोशिश करेगा, लेकिन दोस्तों आज हम जो है केक यहाँ पर लेकर नहीं आए हुए हैं,
हम यहाँ पे जानना चाहते हैं क्या उस लड़की की आत्मा रियल में यहाँ पे दिखाई देती है या नहीं दिखाई देती। अगर यहाँ पे हम लोग जो आत्मा दिखाई पड़ेगी उससे बात करने की कोशिश करूँगा तो हम यहाँ पे केक लाने की कोशिश भी करूँगा, उसकी जो खुशियाँ जी थी उस खुशियों की जो है पूरा करने की कोशिश मैं करूँगा। तो उसके लिए दोस्तों आप लोगों का हमें जो है सपोर्ट करना पड़ेगा। तो लोकेशन के आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से हमारा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे चैनल पर नए लोग हैं तो वीडियो को लाइक कर लेना है, साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो दोस्तों मैं लोकेशन के आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप लोग स्किप बिल्कुल मत करना, अन्यथा आप लोग कुछ भी यहाँ पर नहीं जान पाएंगे। हम जो यहाँ पर उस लड़की की आत्मा से बात करूँगा, क्या बात करता हूँ, कैसे लड़की की आत्मा सामने आती, आप लोगों को कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो दोस्तों स्टोरी थोड़ी जो है लंबी हो सकती है, लेकिन जो है आप लोगों को यहाँ की स्टोरी जो है रियल में मैं बता रहा हूँ। तो ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं ख़राब करूँगा, सीधा मैं लोकेशन पे चलता हूँ, आप लोगों को लोकेशन विजिट करके यहाँ पे दिखाऊँगा। लड़की की आत्मा दिखाई पड़े या नहीं दिखाई पड़ेगी वो भी आप जो कुछ होगा वो कैमरे में ज़रूर कैप्चर होगा, हमारा कैमरामैन जो है वो कैप्चर करने की कोशिश ज़रूर करेगा। तो चलता हूँ लोकेशन पे, बस आप लोग वीडियो को फुल वॉच जरूर करना। हाँ भाई वहाँ पर कोई था, थोड़ा साइड होना, साइड में कुछ कैप्चर हो रहा है, कैप्चर हो रहा ना। हाँ भाई देखो तुम कौन हो और इतने रात में यहाँ पे आप क्या कर रही हैं, थोड़ा जो आप लोग जो है सैड हो जाए ताकि जो है क्लियर कैप्चर करने की पूरी कोशिश करना, आपकी यहाँ पे मौत कैसे हुई थी, आप इतनी रात में यहाँ पे जंगल में क्या कर रही हैं। कौन हो, कौन हो तुम, कौन है तो भाई। भाई कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा है दोस्तों, आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, इतने लोग दोस्तों हमारे साथ में जो हैं ये सारे लोग जो है उसी गांव से हैं जिस लड़की की आत्मा जिस गांव से रहने वाली थी उसी गांव से ये लोग सारे लोग जो है बिलोंग करते हैं। तो आज ये लोग जो यहाँ पे आए हुए हैं ये लोग भी जानना चाहते थे कि हाँ लगभग मासूम बच्ची थी, लगभग 7 से 8 साल बस जैसे बच्चा है ना इसी की उम्र की वो लड़की थी, वो आप लोग जान सकते हैं कितनी समझदार होगी लड़की जो है वो अपने पिताजी को समझाती थी। तो आज यहाँ पे उस लड़की की आत्मा बेचारी जो बेकसूर थी वो उसकी जो है हत्या कर दी, हत्यारा पिता कहकर उसको आज भी गाँव में लोग पुकारते हैं, क्या है बात सच है? सच है, सच है। उस पिताजी को जो है जिस गली से गुजरता है लोग उसको जो है अपने दरवाजे पर लोग जो है रुकने नहीं देते, सोचते हैं हमारे भी बच्चे घूमते हैं, पता नहीं किस बच्चों के जो है ऊपर जो है हमला कर दे, किसी बच्चे के ऊपर जो है वाह कर दे, जो बच्चों की जो है मौत हो जाए। इसी वजह से उस आदमी की जो है अपने दरवाजे पर कोई भी आज तक रुकने नहीं देता, क्या ये बात सच है? भाई आवाज आ रही है, भाई फिर से आवाज आ रही है। हाँ भाई चला।
सामने क्या था यार भैया? सामने कुछ अभी गया हुआ था ना? हाँ भाई, अभी गया था कोई। चलो कौन है यहाँ पे? हाँ भाई, दोस्तों जिस लड़की की आत्मा यहाँ पे दिखाई देती है, उस लड़की की आत्मा से आज मैं बात करूंगा, क्लियर यहाँ पे करूंगा कि आखिर उसकी मौत क्या, मौत के पीछे क्या कारण था, आखिर उस लड़की के जो पिताजी थे उसको क्यों जान से मार दिया था। हो सकता शायद उस लड़की की ही कोई गलती हो, उसी वजह से मार दिया हो, लेकिन मैं यहाँ पे आया हूँ तो इसी वजह से आया हूँ कि जो बातें हैं वो क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पे किन लोगों की गलती थी यहाँ पे। इसी वजह से तो मैं लोकेशन को विजिट करता हूँ। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। वीडियो में आप लोग बने रहना, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर आप लोगों को देखना है। सामने चलते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं कि जो भी है। देखिए मैं आप लोगों के सामने जो है, इतने लोगों के सामने शेयर हो जाओ भैया, सारे लोग जो है आराम से देखिए कि डरने की कोई बात नहीं। मासूम बच्चे हैं, किसी के ऊपर जो है हमला नहीं करते हैं। फिलहाल जो है बच्चे हैं यहाँ पे डरते हैं, क्योंकि पता नहीं यहाँ पे क्या हो सकता है, इसी वजह से बच्चे भी हैं डरते हैं यहाँ पे। देखो जो है आपके साथ में जो भी हुआ था हमें बताने की कोशिश करें, आपकी मौत कैसे हुई थी, आखिर आपने पिताजी से ऐसी क्या बात बोली थी जो है आपको जो है पिताजी ने जो है आपकी हत्या कर दी, कुछ बताने की कोशिश करेंगे आप, कुछ कहना चाहेंगे आप? आप किस गांव से रहने वाले थे, कुछ बताएंगे आप? भाई ध्यान से कहीं अटैक ना कर दे वो। कोई भी दोस्तों जवाब नहीं दे रही, इसका मतलब मैं कि यहाँ पे क्या समझूं आखिर। देखिए जो भी है आप लोगों के सामने है और जो भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ये एकदम से रियलिटी यहाँ की है। आप लोग सारे लोग बता सकते हैं एक बार, क्या है बात सच है यहाँ पे, ऐसा ही हुआ था यहाँ पे जो है आपके गांव में? रियल में दोस्तों यहाँ पे ऐसा ही हुआ था, जो अपने पिता, जो लड़की के पिताजी थे उस लड़की को जो मार दिया था, लेकिन आत्मा जो है बताए या ना बताए इसमें दोस्तों हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि शायद यहाँ की बातें जो क्लियर हो सकें। देखो मैं आपको कोई नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ, आप अपने बारे में बताने की कोशिश करें, तुम कौन हो और कहाँ की रहने वाली थी, आपके साथ में यहाँ पे क्या हुआ था, कुछ बताइए आप, फिर हिला रही हैं, क्या बताना चाहती हैं आप, कुछ बताना चाहती हैं, कौन हो तुम, कौन है भाई? ध्यान से अटैक कर रही हो, अटैक कर रही हो। दोस्तों
ये वो लोकेशन है, आप लोगों को देखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा कि यहाँ पे आत्मा यहाँ पे क्यों, इस लड़की की आत्मा यहाँ पे भटकती है। यहाँ पे वो अक्सर लड़की जो आया करती थी अपनी माताजी के साथ में, कि यहाँ पर उसका हमेशा आना जाना रहता था, कि उसके खेत में आसपास खेत भी थे और यहाँ पे गांव के थोड़ी दूर ही पास में, अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में आप लोग जानते हैं कि कामकाज रहते हैं, गोबर फेंकना या किसी भी प्रकार से यहाँ पे आना जाना हमेशा रहता था। इसी वजह से गांव में आत्मा भी जाती है, लेकिन यहाँ पे रात के 12 बजे आत्मा यहाँ पे लोगों को दिखती है, इसी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। और गांव में इतने लोग जो है रात में इस टाइम पे जो है रात के 12 बजे शायद कुछ लोग ही जानते हैं। कुछ आवाज़ आ रही है? हाँ भाई, क्या आवाज़ आई है, सुना है आप लोगों ने? हाँ भाई सुना है। हाँ भाई मैंने सुना है। चल एक मिनट कैमरा दिखा यार, कुछ छिपा हुआ यहाँ पे क्या? भाई लग तो रहा है सामने कुछ है। हैं है? देखो कौन हो तुम, कौन है? मुझे डराने की कोशिश कर रही है, कौन है आप यहाँ पे, कुछ बताने की कोशिश करेंगे आप, कौन है? कौन है आप? सामने तो कुछ यहाँ पे देखो सामने पे। हाँ भाई देखो मैं आपसे लास्ट बार पूछ रहा हूँ, आप कौन है, आप कहाँ की रहने वाले थे, कुछ बताएंगे? आप लोग थोड़ा साइड हो जाओ ताकि जो है आपके मौत कैसे हुई थी, आपको जो है पिताजी आपके क्यों मारा था, कुछ बताएंगे आप? कौन हो तुम, कौन है, कौन हो तुम, कहाँ की रहने वाली थी, कौन है? ओ भाई या कोई नहीं है, जाने दो। हम लोग जो है यहाँ से निकलना चाहिए, अंततः हमारे साथ में छोटे छोटे बच्चे हैं, हम नहीं चाहते हैं किसी के साथ में यहाँ पे ऐसी दुर्घटना घटे, किसी को जो है यहाँ पे किसी प्रकार का जो है खतरा उठाना पड़े। तो इससे पहले हम लोग जो है यहाँ से निकल जाएंगे और मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।